हेलो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज मैं आ रहा हूँ गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद में भी तिब्बतन मैस्टिफ हो सकता है, ऐसे किसी ने सोचा होगा। तो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि यार प्लेन्स एरिया में तिब्बतन मैस्टिफ डॉग को सरवाइव करा सकते हैं, मतलब पाल सकते हैं कि नहीं पाल सकते हैं। और अगर प्लेन्स में आप तिब्बतन मैस्टिफ जैसी ब्रीड को, देखो ये मेरे पीछे है, ऐसी ब्रीड को अगर आपने रखा हुआ है तो आपको क्या डाइट रखनी है, कैसे रखना है, तो सारी बातें आज करने वाले हैं अंशुल भैया से। इनका बहुत तगड़ा तिब्बतन मैस्टिफ है, 11 महीने का तिब्बतन मैस्टिफ है। मेरे पीछे आप देख लो यार भाई, ओए इधर आ, ओए नो नो। तो भैया इससे मिलने वाले हैं, ओए ओए क्या है भाई इसका, क्या मस्ती है, बहुत मोटे पैसे भाई। 11 ये तो काट लेगा हाथ। अच्छा इसका नाम लेविन है और ये 11 महीने का है। ए, नहीं काट देगा आपको, नहीं काटेगा। 11 महीने का है ये अंशुल भी, अगर तिब्बतन मैस्टिफ। और देखो इसकी ग्रोथ कैसी हो गई भाई, देखो यो। तो हम आ गए हैं ऊपर छत में, इस बार चेन ना तोड़ दे भाई, ये रिस्क बहुत है। नो ये तोड़ेगा अंशुल भाई, आप ना इस तरह से तोड़ देगा यार। आ जा बेटा आ जा, ये ले 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 लेविन 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 लो लेविन लो 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 लेविन लो 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 लेविन लो। नहीं ना, नो 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 नो, मांस खाने में इंटरेस्टेड है वो अभी। कोई मुझे बीच में ब्लॉकर रखना है ताकि ये एकदम से आए ना तो मैं अपने को प्रोटेक्ट कर सकूं। मैं ये रखता हूँ इसको बीच में ना अपने, और तोड़े भी तो थोड़ा सा लेविन। तो भाई अंशुल भाई ने इसको ऊपर बांध दिया, नीचे से चेन तोड़ दी थी। और ये देखो गाजियाबाद का बीच में पार्क वगैरह है, तो ये फुल गाजियाबाद में हम आए हैं। और ये आप लोगों के बहुत डाउट थे यार ना, खा ले बेटा। नहीं लेविन। तो अंशुल भैया ये आपने बोला कि 11 महीने का हो चुका है, और इसको आपने लिया कहाँ से था यार? ये मैंने तो मुझे तो गिफ्टेड है, मतलब आपने पहाड़ों से लिया हुआ कहीं से ना? ना ना, देहरादून से। एक फ्रेंड है। अच्छा, उन्होंने मुझे दिया। कहाँ से है फ्रेंड, मतलब देहरादून वगैरह से ही? तो मतलब इसके पेरेंट्स कहाँ पे रहते हैं, रहते थे उस वक्त? फादर है वो मुजफ्फरनगर रहता है, इसका ग्रैंडफादर वो था प्राइड, प्राइड प्राइड लाइन का। तो इसका जो ग्रैंडफादर है वो प्राइड लाइन का था, और प्राइड वो लाइन है, वो प्राइड ही था, प्राइड ही था। तो मुजफ्फरनगर रहता था वो? नहीं, इसका फादर मुजफ्फरनगर, इसका फादर है वेस्ट है, ग्रैंडफादर प्राइड है, ग्रैंडफादर प्राइड है, फादर मुजफ्फरनगर रहता था। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सब चीज़ें बिकॉज इसकी जो लाइन है वो प्लेन्स में ही रही है भाई। तो इससे क्या हो रहा है कि इसके बच्चों को अडेप्ट करने में काफ़ी ईजी हो गया। भैया क्या लगा रहे हो दवाई अंशुल भाई? अरे यार इसमें ना, हाँ पानी से जैसे बालों में पानी नहीं फंस जाता, हाँ उनकी भी नमी आ जाती है, मैंने चोट लगा दी। अच्छा, इसके बाल काफ़ी हैं तो थोड़ा सा इसका ह्यूमिड रह गया, इसके नीचे पूरा लाल हो गया है, तो क्रीम लगाई जा रही है अभी। ए भाई शेर जैसा लग रहा है पूरा, देखो इसके बाल, ये देखो भाई तगड़ा है ये तिब्बतन मैस्टिफ। तो ये बचपन से यहीं रहा है गाजियाबाद में? दो महीने का लिया था आपने, तो भाई तब से ये गाजियाबाद में रह रहा है। और उसकी ग्रोथ देख लो यार आप, है ना, कोई कहेगा कि ये गाजियाबाद में रह गए, यूपी में रह गए, इसकी ग्रोथ ऐसी हुई है। और इसका ये पूरा आयाल देखो भाई, मुंह के चारों तरफ। अंशुल भाई ने इसको अपनी तरह बना दिया पूरा तगड़ा हट्टा कट्टा, ये देखो भाई इसकी हाइट। नो नो नो, मेरा डोला और इसका हाथ बराबर। तिब्बतन मैस्टिफ इन गाजियाबाद। तो इसको अंशुल भाई आपने जब लेके आए स्टार्टिंग में आपको कोई दिक्कत हुई थी या स्मूथ रही जर्नी? पहले भी रखे हुए तिब्बतन मैस्टिफ यहीं पे रखे हुए। आपने गाजियाबाद पहले भी तिब्बतन मैस्टिफ रखे हुए हैं? तो भाई देखो ये पहले भी रह चुके, लेकिन नहीं मैं इसलिए जाना चाह रहा था कि इसको आपने लाया तो स्टार्टिंग में बीमार तो नहीं पड़ा गया हम? नहीं, नहीं, नहीं। भाई नहीं लेविन, बल्कि जब ये मेरे पास आया था ना, हाँ कुत्ते की क्या स्टोरी थी, इसकी मदर एक्सपायर हो गई थी। अच्छा, और ये दो ही बच्चे बचे थे अपने लिटर के, एक मेल एक फीमेल। अच्छा, मेरे पास आया भी इसीलिए था क्योंकि वीक हो गया होगा काफ़ी। ओहो, इसने पूरा खरोच खरोच के नीचे पूरा वो कर दिया खुजला खुजला के। तो मेरे पास आया भी ऐसे ही था, अब फिर इसकी
जब ये आया बहुत कमजोर था ये, मतलब ये जितने इसके साथ के बच्चे थे ना, हाँ, दो तीन लीटर हुए होंगे उनके ना, हाँ, उनमें सबसे हल्का बच्चा था ये, सबसे वीक था, और अभी सबसे सबसे तगड़ा कर दिया है इसको। तो ऐसा अपने डाइट में क्या दिया इसको, और मतलब क्या केयर करी आपने स्पेशल? घर का खाना खाता है नॉर्मल, अच्छी चीज है, खा लेता है, नहीं करता। कुछ भी खा लेता है? हाँ, भाई कैसे घूर रहा है मेरे को? जैसे हम लोग बाहर चले जाते हैं, कभी पापा बाहर बुरा मानते तो नहीं खाता। हाँ, खा ले, खा लेता है बेटा। लोग बोलते हैं रॉयल कैनिन क्या, रोटी नहीं देनी चाहिए, लेकिन यार स्टार्च तो देना चाहिए भाई, स्टार्च देना चाहिए डाइट में। मैं रॉयल कैनिन रोटी और लस्सी, लस्सी भी दे दो आप, और दही किलो एक टाइम पे, आधा किलो एक टाइम। गर्मियों में स्पेशली क्या दे, गर्मियों में क्या क्या डाइट रहती है इसकी, वो जानना चाह रहा था। मट्ठा रहता है, मट्ठा। तो गर्मियों में अगर आप टिबेटन मैस्टिफ या गद्दी या भोटिया डॉग पाल रहे हो, तो यार मट्ठा बहुत ज़रूरी है डॉग्स के, टिबेटन मैस्टिफ डॉग्स के लिए, या कोई भी ऐसा डॉग जिसकी फर कोट ज़्यादा बढ़िया आती है, चाहे वो सेंट बर्नार्ड हो या गोल्डन रिट्रीवर हो, राइट, तो आपको मट्ठा देना बहुत ज़रूरी है और दही देना बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा ये। तो आपने ये टिबेटन मैस्टिफ पहले भी रखे हैं, इसलिए आपने ये रखा हुआ है ब्रीड, इसके अलावा आपने कोई ब्रीड नहीं रखी? यार पहले तो हमने रखे हैं, मतलब जर्मन शेपर्ड भी रखे हैं, लेकिन जब से पालने का मन करता है। अच्छा, वही देख लो थोड़ा सा भाई, नहीं 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 11 नो ना, थोड़ा डर थी लग रही है, कुछ कह रहा हूं तुझे, ए लेविन, वैसे बहुत सा खेलने वाला डॉग है ये, मेरे को देख के थोड़ा सा वैसा हो गया ये, हम तीनों के लोग, चारों लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, रहता है बहुत खेलता है हमारे साथ, और सामने वाली जो वो है ना भाभी, उनके साथ खेलता है, जिन्हें बचपन से मिल रहा है उनके साथ सही रहता है, बाकी किसी को नहीं छोड़ता ना, बाकी सबको काटता भाई बहुत। और इसके अगर आप पंजे देखोगे ना, ये फोकस कर रहा हूं थोड़ा सा, ये देखो भाई, नो ये देखो भाई, ये देखो इसके पैर, इसके पंजे, गाजियाबाद में ये ग्रोथ हुई है इसकी, ये देखो यार 11। इसकी हाइट कितनी होगी अंशिल भाई, ऐसा बोलते हैं 29-30 मतलब, ऐसा अभी तक मैं जितने भी जगह गया हूँ तो ऐसा सुनने में है कि पहाड़ों में जो डॉग्स रखते हैं तो हाइट कम रहती है, और प्लेन्स में हाइट बढ़ जाती है इन डॉग्स की, कुछ लोग मना करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसा होता है। हाँ, मेरे पास जो लास्ट डॉग था ना, हाँ, वो 32 inches का था, 32 inches का, 31 रहा होगा, हाँ, 31 रहा होगा, वो तो बुलेट थी, तो बुलेट बराबर था ही था, ओए, ये एकदम चपटते हैं भाई यार, और ह्यूमंस के साथ भी तो सेम है, प्लेन के लोग लंबे ही होते हैं, प्लेन के लोग लंबे होते हैं, पहाड़ी छोटे होते हैं हाइट में ना, तो वही वही ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब खैर ह्यूमन के साथ तो लैक्टोस इनटॉलरेंस टॉलरेंस वाला एक वो भी आ जाता है, हाँ, एंगल भी आ जाता है, ए, पर मेरे हिसाब से जो पहाड़ में डॉग्स होते हैं ना ब्रॉड होते हैं, पहाड़ वाले ना 11, लेकिन इसकी हाइट ऐसे भी एक्सेप्शनली हाई नहीं है, नॉर्मल हाइट है, नॉर्मल हाइट है ना इसकी, ये प्रॉपर जो डिसेंट हाइट टिबेटन मैस्टिफ मैन हेड होता है ना वो, हाँ, है, वो है ना, ये हाइट ज्यादा नहीं है भाई, देखो नॉर्मल हाइट 11, एक अच्छी खासी हाइट है, अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है गाजियाबाद में। तो यार जो भी लोग बोलते हैं कि गाजियाबाद या प्लेन्स यूपी में महाराष्ट्र में आप डॉग पाल सकते हो, तो बिल्कुल पाल सकते हो, देखो आपको जरा टेक केयर करना। एक और चीज, आप इसको गर्मियों में एसी में रखते हो क्या, एसी कूलर कुछ दे, ए रात में एसी में आप क्या रहता है? मैं घर में हूँ, हाँ, तो ये मेरे रूम में ही सोएगा, अदरवाइज तंग करता रहेगा, बचपन से इसकी याद, गर्मियों में इसकी माँ मर गई थी तो मैं ले आया था इसको, तो माँ मैं ही हूँ इसकी, अच्छा, तो आप एसी में सोते हो, तो ये आपके साथ एसी में सोता है, और वैसे कूलर में रहेगा अगर दिन में रहेगा तो थोड़ा क्या है, पंखे में रह लेता है, पंखे में अंदर, इसका नीचे अलग रूम है, हाँ, पंखा है भी नीचे, अच्छा, रहता है, तो मतलब आप क्या बोलोगे, कोई पालता है तो उसको इसे एसी में रखना चाहिए, एसी में या कूलर में? यार रख लो, एसी में रखने में प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, मुझे तो लगती, देखो तो यार थोड़ी, क्योंकि ये पहाड़ों की ब्रीड है, अगर आप हस्की भी पालते हो ना, तो हस्की को तो आपको 24 घंटे पहाड़ में रखना पड़ेगा, मतलब एसी में रखना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता हस्की को ऐसे हस्की का इतना बड़ा फर्क थोड़ी ना होता है, हाँ हो सकता है, पर हस्की तो, हस्की भी वुलन कोट वाला आता है ना, उसकी बहुत ज़्यादा फर होती है, हाँ, ए बाहर आ गया भाई, नहीं रुक रुको अंशुल भाई, हाँ वहीं तो रहता हूँ मैं, तो भाई ये बाहर ले जा रहे हैं इसे पार्क में, आप देख रहे हैं कि ये रिएक्ट कैसे करता है लोगों पे, ठीक है, पार्क में ले आए एक बार, पार्क में भी ले आ रहा हूँ, चलो हाँ पार्क में ले, चलो चलो पकड़े रखना ना अंशुल भाई, आओ चलो, तो एक बार ले आ रहे हैं इसे पार्क में, आप देखते हैं कि यार ये सोशल
मतलब अगर आपके आसपास लोग हैं तो। वैसे तो आपने अंशुल भाई इसको पूरा सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखा हुआ है राइट, बांध के रखा हुआ है तो ये अपनी गार्डिंग फुल कर रहा है। तो अगर आपने ऐसे अपने डॉग को रखा हुआ है तो छोड़ना मत, खुला छोड़ दो तो अंशुल भाई काट देगा ना खुला छोड़ने में। तो आया क्या अग्रेसिव, ये ब्लड लाइन पे भी डिपेंड करता है डॉग कैसा है ठीक है। चलो भाई पार्क में ले चलो इसे को। आ गए देखो तो बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा रिस्क हो सकता है तो अंशुल भाई से पार्क कभी नहीं लाया तो, हाँ काट लिया तो काफी दिक्कत हो जाएगी, बच्चे आने लग गए काफी। बच्चों भालू है ये, भालू तो भैया बच्चों से पूछते हैं कौन सी ब्रीड है, कौन सा कुत्ता है पता है ये, क्या ये डॉग है कि क्या शेर है, शेर है ये, डॉग नहीं है बेटा भाई। देख देखा है आपने ऐसा पहले कभी देखा है, पीछे रहना थोड़ा सा ठीक है सर, काफ़ी बच्चे आने लग गए हैं। तो देखो ये डॉग का एक ऐसा भी रहता है, काफ़ी डिफरेंट ब्रीड है, प्लेन्स में अगर आप पालोगे तो यार अट्रैक्टिव लोग होंगे होंगे, बच्चों से थोड़ा दूर रखना है इन्हें। ए अंजुल भाई पहली बार आ रहे हो, बाहर तो जैसे घुमा लेता हूँ मैं रात को भी 11 बजे। चलो 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 चलो, पापा बुला रहे बेटा चलो। ए नहीं 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 चलो अंशुल भाई चलते हैं यार, रिस्क है यहाँ पे है ना, मैं निकलता हूँ फिर निकलते हैं, खुला होगा तो 4-5 को दबाई देगा। अरे अभी चेन तोड़ के आजा। ए आओ अंशुल भाई पैर काटेगा। ओए नहीं ऐसे नहीं करते, पहचान लेता है ये, बाद में आके काटता है ये। बच्चों की भीड़ लग गई भाई। तो एक और है, आप सोशल बनाना चाहो तो सोशल बना सकते हो, रोज लेके आओ बाहर और मिलाओ लोगों से तो वो सोशल रहेगा। गार्डिंग के पर्पज़ के लिए अगर आपको रखना है तो ऐसा गार्ड डॉग चाहिए तो भाई ऐसा गार्ड डॉग बन जाएगा। चलो तो गाइस अब इस व्लॉग को ये खत्म करते हैं यार, अंशुल भाई का बहुत बढ़िया तिब्बतन मैस्टिफ है गाजियाबाद में, इतना अच्छा मतलब ग्रोथ हो गई है, सब कुछ बढ़िया। आपको कोई भी क्वेश्चन होंगे ना तो आप मुझे इंस्टाग्राम में जरूर, नीचे इंस्टाग्राम में मेरा प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है तो, और कमेंट में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।